यकीन मानिए दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आप कभी किसी से यह नहीं पूछेंगे कि एक पंप में कितनी दवाई डालना है। चाहे कितनी भी मात्रा में डलने वाली दवाई हो, किसी भी तरह का पंप हो, हर एक के लिए आप बड़ी ही आसानी से उस दवाई की मात्रा को निकाल पाएंगे जिसका आप छिड़काव करने वाले हैं। कई वीडियो में काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट आए थे कि दवाई की मात्रा पंप के हिसाब से बताया करो, कि एक पंप में कितनी दवाई डालना है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि कौन से पंप में कौन सी दवाई कितनी मात्रा में लेना है। यहाँ पर मैं मेरे हिसाब से बताने वाला हूँ, अगर आपको इसमें कुछ गलती या कमी लगे तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शान, किसान किराया चैनल पर करता हूँ आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एक पंप में कितनी दवाई डालना है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ बेसिक सी सामान्य जानकारियों पर बात कर लेते हैं जिन्हें ज़्यादातर किसान भाई ध्यान नहीं रखते हैं। कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जैसे कि छिड़काव वाले एरिया के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में लगने वाले पानी की कैलकुलेशन निकालने के बजाय स्प्रे होने वाले पंप की कैलकुलेशन निकालते हैं कि इतनी जगह है और इतने पंप में आ जाएगी। आपको बता दूं कि यह तरीका बिल्कुल गलत है। इसके बजाय पहले हमें एरिया के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में पानी लेना चाहिए और फिर उस पानी को किसी भी तरह के पंप से छिड़काव कर देना चाहिए। हर वीडियो में आपको बताते हैं कि एक एकड़ फसल के लिए कम से कम 150 लीटर पानी लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 200 लीटर पानी ले सकते हैं, लेकिन इतना पानी वही किसान भाई लेते हैं जो ट्रैक्टर वाले स्प्रे पंप से छिड़काव करते हैं। बाकी किसान भाई 20-25 लीटर वाले पावर स्प्रे पंप या 15 लीटर वाले पीट पंप से स्प्रे करते हैं, वो बहुत कम मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं। जिससे कि एक एकड़ में 150 लीटर पानी लेना है तो ट्रैक्टर पंप वाले तो बड़े आराम से इतना पानी ले लेते हैं, लेकिन पावर स्प्रे पंप और हाथ पंप वाले कितना पानी लेते हैं? पावर स्प्रे वाले एक एकड़ में अधिकतम 5 से 6 पंप लेते हैं, 20 लीटर प्रति पंप के हिसाब से यह 100 लीटर पानी ले पाते हैं, जबकि कम से कम 150 लीटर पानी लेना है। और हाथ पंप वाले एक एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 7 पंप डालते हैं, जो कि 15 लीटर प्रति पंप के हिसाब से 105 लीटर पानी बनता है। तो इन दोनों कंडीशन में हम प्रति एकड़ फसल में 50 लीटर पानी कम लेते हैं, जिसका सीधा असर स्प्रे होने वाली दवाई के रिजल्ट पर पड़ता है। किसी भी दवाई के उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं जितना मिलना चाहिए। तीनों कंडीशन में हम दवाई का खर्च तो बराबर करते हैं, लेकिन कम पानी के चलते बराबर लाभ नहीं ले पाते हैं। तो पहले हमें पानी की मात्रा निर्धारित करनी है। एक एकड़ फसल में छिड़काव के लिए कम से कम 150 लीटर पानी लेना है। उदाहरण के लिए अगर 2 एकड़ फसल है तो 300 लीटर पानी लेना है और आधा एकड़ है तो 80 लीटर पानी लेना है। जगह के हिसाब से पहले पानी की मात्रा निर्धारित कर लेना है। पानी की मात्रा निर्धारित करने के बाद अब स्प्रे पंप की कैलकुलेशन करना है कि निर्धारित पानी की मात्रा कितने पंप में पूरी हो जाएगी। मान लो एक एकड़ जगह है, उसमें 150 लीटर पानी लेना है। अगर 25 लीटर वाला पंप पूरा भर कर लेते हैं तो 1 एकड़ में 6 पंप लेना है, और अगर 20 लीटर वाला पंप पूरा भर कर लेते हैं तो 8 पंप प्रति एकड़ लेना है, और 15 लीटर वाला 10 पंप प्रति एकड़ लेना है। इस तरह आपको निर्धारित जगह में निर्धारित पानी से ही स्प्रे करने वाले पंप की संख्या निकाल लेना है। अब आप जो भी दवाई डालने वाले हैं उसका प्रति एकड़ डोज क्या है, उस हिसाब से उसे स्प्रे पंप से भाग कर लेना। मान लो अगर 1 एकड़ में लेमड़ा साइलोथिन डालने वाले हैं, जिसका 1 एकड़ का डोज 250 ml है, और आप उसे 20 लीटर वाले पावर स्प्रे पंप से छिड़काव करेंगे तो 8 पंप लगने वाले हैं। तो ऐसे हम 250 ml दवाई को 8 पंप से भाग दे देंगे और जो मात्रा आएगी उसे हर एक पंप में डाल देंगे। तो यहाँ पर 250 ml भागित 8 यानी 31 ml दवाई प्रति पंप लेना है। और अगर कोई दवाई बहुत कम मात्रा में डलती है, जिसे हम स्प्रे पंप की संख्या से भाग देने पर जो मात्रा आए उसे नाप न सके, तो ऐसी कंडीशन में उसे अलग से थोड़ा सा पानी लेकर घोल लेना चाहिए। समझने के लिए कोराजन को ले लेते हैं, जो कि आमतौर पर 30 ml प्रति एकड़ डलती है। अब अगर इसके 8 पंप डालना है तो यह 30 ml दवाई 4 ml प्रति पंप के हिसाब से डलेगी, लेकिन इतनी कम मात्रा में इसे नापना कठिन होता है। ऊपर से यह गाड़ी होती है जो कि 1-2 ml इतनी तो मापने वाले माप में चिपक जाती हैं। इसलिए हमें इस 30 ml कोराजन को भी 220 ml पानी में घोल कर लेना है और इसे भी लेमड़ा साइलोथिन की तरह 30 ml प्रति पंप में डालना चाहिए। अगर कोई दवाई पाउडर फॉर्म में है तो उसे भी उतने ही पानी में घोल कर ले जितने में पाउडर अच्छे से घुल जाए। मान लो अगर 500 ग्राम पाउडर है तो उसे इतने पानी के साथ घोल करें कि दवाई की मात्रा 1 लीटर हो जाए, जो कि नापने में आसान है। अगर आप एक ही पंप में एक साथ 2 से 3 तरह की दवाई डालने वाले हैं और उन सब की मात्रा अलग अलग है, जैसे कि एक दवाई 100 ml प्रति एकड़ डलती है, दूसरी 250 ml प्रति एकड़, तीसरी 500 ml प्रति एकड़ डलती है, तो ऐसी अवस्था में 100 ml वाली दवाई में 400 ml पानी मिलाकर 500 ml का पैक बना ले, और 250 ml वाली दवाई में 250 ml पानी मिलाकर उसे भी 500 ml दवाई का पैक बना ले। इस तरह तीनों दवाई समान मात्रा में हो जाएगी, जिन्हें हम बड़ी ही आसानी से बराबर मात्रा में उपयोग कर पाएंगे। इसमें हमें हर बार कम ज़्यादा नापने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हम उपयोग की मात्रा को भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने सभी दवाई को बराबर कर लिया है।
लेकिन ध्यान रहे किसी भी दवाई का घोल करते समय जो खाली बाटल का बड़ा पैक आपने लिया है वह धुला हुआ होना चाहिए और अंदर से साफ सुथरा होना चाहिए। अब अगर आप यह पूछने वाले हैं कि क्या तीनों दवाइयों को एक साथ एक ही डिब्बे में घोल सकते हैं, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। पहली बात तो यह है कि एक साथ दवाइयों को नहीं घोलना चाहिए, फिर भी अगर आप घोलना चाहते हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी के साथ बड़ी बाल्टी या बड़ा डिब्बा लेकर घोल सकते हैं। मान लो अगर 500 ml के पैक में तीन तरह की दवाई है तो उन्हें कम से कम 15 लीटर में घोल कर और वह भी एक के बाद एक बारी बारी से डालते जाए और पानी डालते जाए। लेकिन सबसे अच्छा इसी में होगा कि आप हर एक दवाई को माप करके स्प्रे पंप में डालें और यहाँ पर भी एक के बाद एक दवाई डालने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें। अब कौन सी दवाई पहले डालना है, कौन सी बाद में डालना है, इस पर एक स्पेशल वीडियो बनी हुई है जिसे आप यहाँ बॉक्स पर टच करके देख सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर घंटे को भी दबा दें।